डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ क्लास के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इस नाइन्थ क्लास में हम लोग जो चैप्टर मैथ्स में पढ़ रहे हैं उसका नाम है दोस्तों पॉलीनोमियल। क्या नाम है उसका? पॉलीनोमियल, ठीक है। अब ये पॉलीनोमियल जो चैप्टर है, इस पॉलीनोमियल चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 तक के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस को किया था। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग का रह गया था। अब जो एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चंस बचा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक के मैंने डिस्कस किया था, पहले 1-3 तक के डिस्कस किया था। चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का मतलब आप बढ़ा दो उन चीजों को। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। आप बढ़ा दो, किसका किसका बढ़ाना है वैल्यू जरा देखते हैं। तो चौथा का जो पहला क्वेश्चन है वो किसका किसका वैल्यू बढ़ाना है। पहला में दिया है x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो भाई बहुत इजी वे में हम आपको फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, सभी चीजें फार्मूला। इसीलिए तो बोलते हैं थ्योरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। यानी इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? इस एक्सरसाइज का थ्योरी। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca होता है ना, ये चीजें होता है। अब उसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। a के जगह पे x है, x स्क्वायर, b के जगह पे 2y है, 2y स्क्वायर, c के जगह पे 4z है, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो लगाना है x के जगह पे, a के जगह पे x, b के जगह पे 2y प्लस 2bc। तो 2 × b के जगह पे 2y, c के जगह पे 4z प्लस 2ca, c के जगह पे 4z × a के जगह पे x, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर का मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर प्लस 2 × का 4xy प्लस 2 × 4 चरचों का 16। yz को मल्टीप्लाई किया yz, फिर प्लस 2 × 4 = 8 एड zx। तो ये हम लोगों को एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, है ना। तो सबसे पहले जो चीजें हम लोग फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों, उस फार्मूले को आपको याद होने चाहिए। हालांकि इस तरीके का टाइप्स का जो फार्मूला है हम आपको एक रूल्स पे याद करवाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। फिलहाल हम लोग चौथा का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चौथा का पहला क्वेश्चन था, चौथा का दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है चौथे नंबर का। अब ये कौन से फार्मूला पे आएगा भाई? तो ये फार्मूला हम बता चुके हैं। कौन सा फार्मूला देख लो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी पे ना है। a के जगह पे 2x है, b के जगह पे y है, c के जगह पे जेड है। इसका फार्मूला हम बताए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac या ca, कुछ भी ac भी लिख सकते हैं, ca भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फार्मूले पे हम इसको लाएंगे। तो a के जगह पे फिलहाल क्या है? a के जगह पे 2x है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर,
बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में टू देना है ना ये फार्मूला में, तो माइनस टू ए के जगह पे टू एक्स, बी के जगह पे वाई, फिर माइनस है माइनस दीजिए, टू है टू लगाइए, फिर बी है और सी है, तो बी के जगह पे कितना वाई, सी के जगह पे कितना जेड, ठीक है। प्लस टू सी ए, तो टू लिख दिया, सी लिखना है, सी कितना है जेड, ए लिखना है टू एक्स, सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब सबका वैल्यू पुट करने के बाद टू का स्क्वायर कितना फोर, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर, माइनस टू टू सा फोर, एक्स वाई को मल्टीपल किया एक्स वाई, माइनस टू वाई जेड को मल्टीपल किया वाई जेड, फिर प्लस टू टू जा फोर जेड एक्स, ठीक है। कुल मिलाकर ये हम लोगों का एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चौथा में टोटल छह क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसी तरीके से सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। तो चौथा में दो सवाल बता चुके हैं और चार क्वेश्चन बचा हुआ है, फिलहाल हम चौथा का डायरेक्टली छठा क्वेश्चन बताते हैं। सभी चीजें चूंकि फॉर्मूला पे है आप लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चौथा में टोटल छह क्वेश्चन है, छह क्वेश्चन में हम तीन क्वेश्चन बता दे रहे हैं और बाकी की जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आप लोग खुद बना सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, वन बाई फोर ए, वन बाई फोर ए माइनस वन बाई टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम लोग जरा देखें तो फार्मूला होता है ना एक a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है a माइनस बी प्लस सी, उसी पर तो है ना ये a माइनस बी प्लस सी, माइनस से प्लस है तो यही वाला फार्मूला पे तो ये भी बनेगा, वो ऊपर वाला तो लिखा ही हुआ है ना, तो इसी फार्मूला पर यही बनने वाला है। हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर, तो वन बाई फोर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन बाई टू बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस टू ए बी होता है ना, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए के जगह पे कितना वन बाई फोर ए, बी के जगह पे कितना वन बाई टू बी, फिर होता है माइनस टू बी सी, तो माइनस लगाया टू बी सी, तो बी के जगह पे कितना वन बाई टू बी, सी के जगह पे कितना वन, फिर प्लस टू सी ए, तो टू लगा दिया सी, सी के जगह पे कितना वन, ए के जगह पे कितना वन बाई फोर ए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन हम ऊपर करते हैं, जगह नहीं है तो जगह नहीं है इसका सॉल्यूशन हम ऊपर करते हैं। क्या बनेगा यहां पे, वन का स्क्वायर तो वन ना, और फोर का स्क्वायर कितने सोलह, तो वन बटा सोलह ए का स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना वन, और टू का स्क्वायर कितना फोर, अब ये बी का स्क्वायर है तो यहां पे बी स्क्वायर करेंगे प्लस वन का स्क्वायर वन। अब देख लो भाई ये टू से तो टू कट रहा है ना, और माइनस में कितना बच जाएगा माइनस वन बाई फोर ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी, फिर टू से तो टू कट रहा है ना, और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही होगा यानी कि माइनस b, और 2 से ये 2 बार में कट रहा है तो 1 बाई टू ए। तो कुल मिलाकर हम लोगों को ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ चुका है, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चौथा में कोई हार्ड सवाल नहीं था, उसको एक्सपैंड कर देना था, उसको तोड़कर लंबा कर देना था फार्मूला पे। तो हम आपको फार्मूला हर तरह का सवाल के लिए बताए हैं, हर तरह का प्लस माइनस जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आपको फार्मूला मिल जाएगा। और अगर आपको याद होगा तो और अच्छी बात है, तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहां हम लोग सीखेंगे फैक्टराइज करना। ठीक है, यहां पे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस हम इसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, हम लोग को कैसे हैंडल करना होगा फैक्टराइज करने में। सवाल क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। फैक्टराइज में पहला बोल रहा है फैक्टराइज करने को 4x² + 9y² प्लस 16z² फिर सवाल क्या बोल रहा है 12xy - 24yz - 16xz। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है सबसे पहले हमको इसको स्क्वायर पे तोड़ना होगा ना भाई, स्क्वायर पे तो तोड़ना होगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो जरा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको कि ये 4x का स्क्वायर है ना, तो इसको कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, टोटली 2x का स्क्वायर प्लस इसको उस तरह से कितना लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर प्लस ये प्लस है तो प्लस लिखो, अब 2ab तोड़ो तो 2a के जगह पे 2x, b के जगह पे 3y, देखो तो आ रहा है कि नहीं 12xy, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 xy। ठीक है, फिर माइनस 2bc, तो b कितना है 3y, c कितना है 4z, मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 आता है कि नहीं, तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। ठीक है, माइनस है फिर 2ca होता है ना, तो ca कितना 4z, या फिर ac तो 2ac, तो 2x 4z, 4 × 8 × 16xz। तो हम लोग इसी तरीके से पहले हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, जैसे ही ब्रेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं फार्मूला है। क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर, उल्टा देखना इस बार, हम लोग पहले सीधा देखा करते थे ना, इस बार आपको उल्टा देखना है। उल्टा देखना है मतलब कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये किसका फार्मूला होता है भाई, तो ये फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कब, जब रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, तो ये ही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग a के जगह पे कितना पुट कर देंगे 2x, b के जगह पे कितना पुट कर देंगे 3y, c के जगह पे कितना पुट कर देंगे 4z का कितना हो गया होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है इसी चीज को हम दोबारा लिख सकते हैं, इट मीन्स ऐसे, कैसे, तो 2x 3y माइनस 4z, इसी को दोबारा लिख दिया 2x 3y माइनस 4z, इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सभी चीजें फार्मूला पे हैं। अगर फार्मूला आपके पास नहीं है, आप इसके पिछले वाले क्लास पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखिए, तो चीजें आपको पता चल जाएंगी कि कहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है,
और कैसे हम लोगों को करना चाहिए ताकि वो फैक्टराइज हो सके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पांचवे में सभी चीजें फैक्टराइज ही करना है। खैर पांचवे दो ही क्वेश्चन है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 2x² + y² फिर है +8z² फिर है -2√2xy फिर +4√2yz फिर नेक्स्ट क्या है -8xz ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोले, इसको आप स्क्वायरिंग पे तोड़ो। किस पे तोड़ो भाई, आप स्क्वायरिंग पे तोड़ो। तो यहां पे आपने तोड़ा, 2x² को आपने कैसे लिखा, तो ये 2 को रूट 2 बना दिया, x का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया ठीक है। उसी तरीके से यहां y² है, आपने क्या किया, y का स्क्वायर पे तोड़ दिया ठीक है। उसी तरीके से आपने यहां 8z² था, आपने इसको तोड़ दिया, y का होल स्क्वायर लिख दो, 2√2z² ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाता है। इसको इतना पे तोड़ दिया, माइनस फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 × a कितना √2x, b कितना y, +2bc, तो 2by c√2z -2a कितना है √2x × c कितना है 2√2z। देख पा रहे होंगे सब, ये माइनस है माइनस, 2√2 2√2xy +4√2 कैसे आया होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 × 4√2 और yz, फिर माइनस का है माइनस दिख रहा, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 और √2 √2 मिलकर हो जाएगा 2, तो 4√2 4√2√2 4 × 2 = 8 xz। तो ये जो फार्मूला मिल रहा है हमें, वो अब कौन सा फार्मूला पे आ रहा है जरा देखो, उल्टा फार्मूला यहां पे लगाना है, उल्टा फार्मूला लगाना है कैसे, क्योंकि यहां पे a² + b² + c² ये है -2ab, ये है +2bc ठीक है, और ये है -2ac। तो यहां पे हम लोग फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए a − b − c² ठीक है, a − b − c² टूटेगा, यही फार्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस a के जगह पे कितना रखेंगे √2x, फिर माइनस b के जगह पे कितना रखेंगे y, फिर से माइनस c के जगह पे कितना रखेंगे 2√2z² जब भी स्क्वायर रहता है दोस्तों, हम क्या करते हैं उसको फैक्टराइज करते वक्त उसको दो बार तोड़ देते हैं, हम लोग इसी को दो बार लिख दिए, कितना हुआ √2x − y − 2√2z, इसी को एक और लिख दिया √2x − y − 2√2z ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का सिचुएशन बना ठीक है, ये हम लोगों का सिचुएशंस बना। तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अक्सर फैक्टराइज करने में ठीक है, अक्सर फैक्टराइज करने में हम लोग इसी को यूज करते हैं, ऐसा ही बनाते हैं। तो इस तरीके से पांचवा तक के क्वेश्चंस को हम लोग किए, आइए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बोल रहा है जरा देखते हैं,
तो सिक्स में भी हमें क्या बोल रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, और इसमें भी हमें टोटली चार क्वेश्चंस दिया हुआ है। छठा में कितना क्वेश्चंस दिया हुआ है, छठे में क्वेश्चंस चार, तो उन सभी चारों क्वेश्चंस को तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी दो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन जरूर कर देंगे, ताकि आपको देखकर पता चले कि आखिर दी गई क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करते कैसे। तो छठा में हमें बोल रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म लाने के लिए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लाने के लिए पहला क्या है? सवाल बोल रहा है पहला 2x+1 का क्यूब, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो सिंपल वे में अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a+b का क्यूब क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इंटू में a+b, यही होता है ना, a³ + b³ + 3ab इंटू में a+b। अब वही तो इसको तोड़ देना है, जहां a है वहां यहां पे 2x है, तो 2x का क्यूब किया, फिर प्लस bq, तो जहां यहां b है वहां 1 है, तो 1 का क्यूब, प्लस 3ab, तो 3 a के जगह पे 2x इंटू b के जगह पे 1, और ब्रैकेट में कर देना है a+b, तो ब्रैकेट में a के जगह पे कितना है 2x+1, ठीक है 2x+1। तो कुल मिलाकर यहां पे अभी हमें यूज करना, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीपल करेंगे, तो 2 × 2 × 2 8x³। 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 × 2 जाए कितना 6x, तो यहां हो जाएगा 6x, ब्रैकेट में 2x+1। यहां पे आप देख पा रहे होंगे 8x³+1 और 6x को 2x से मल्टीप्लाई करना, तो 6 × 2 = 12, x को मल्टीपल करेंगे x² प्लस 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 6x को 1 से मल्टीपल करेंगे 6x। तो कुल मिलाकर इसको अच्छे से सजा कर लिख देते हैं, जैसे पावर क्यू वाला को पहले लिख देंगे 8x³ + 12x² + 6x + 1, तो टोटल हम लोगों का ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फार्मूला पे हमें तोड़ देना होता है, ठीक है, फार्मूला पे तोड़ देना होता है, खुद आप फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है एक्सपेंड हो जाएगा। चलिए तो छठा का ये पहला क्वेश्चन था, और हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। छठा में टोटल मिलाकर जैसा कि हम बता रहे अभी 4 क्वेश्चंस है, तो इन चारों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हम फार्मूला तो बताए ही हुए हैं, उस फार्मूले पे आप इसको तोड़ दीजिएगा, और फिर भी हम एक क्वेश्चन माइनस वाला बता देते हैं, जो छठा का चौथा नंबर क्वेश्चन है, छठा का 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है छठा का चौथे क्वेश्चन, जरा देखते हैं। तो छठा का जो चौथा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, x - 2/3y का होल स्क्वायर, ठीक है होल क्यूब, ठीक है। यहां पे जो हम लोगों को फार्मूला यूज होगा, आप जान रहे हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा, a - b। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि a - b का होल क्यूब लगेगा, यानी कि a - b का होल क्यूब फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इंटू में a - b। ए हम लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे दो ना इसको तोड़ना है, हार्ड चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है। ए की जगह पे कितना रखेंगे x, ठीक है, तो यहां हो जाएगा x का क्यूब, फिर माइनस बी का क्यूब, मतलब कि 2/3y का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस
थ्री ए, ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे टू बाई थ्री वाई, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब कि वही का वही, ठीक है। अब जब इसको तोड़ देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे भाई, देखिए एक्स का क्या करना है, क्यूब, तो एक्स क्यूब, फिर माइनस टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, वाई का क्यूब, और यहां पे तो थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस बनेगा टू एक्स वाई, ठीक है, टू एक्स वाई। यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां से थ्री कैंसिल आउट हो गया ना, तो माइनस बच गया, फिर टू एक्स वाई, ब्रैकेट में कितना, एक्स माइनस टू बाई थ्री वाई, ठीक है। अब आप यहां पे चीजों को देख रहे होंगे, तो यहां क्या बन रहा है, एक्स का क्यूब माइनस एट बाई ट्वेंटी सेवन वाई का क्यूब, और इसको आप इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स एक्स को मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस प्लस, टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर एक्स वाई स्क्वायर, देख पा रहे ना, वाई और वाई मिलके वाई स्क्वायर, वाई में कितना थ्री, तो कुल मिलाकर यही हम लोगों का एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा, यही हम लोगों का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस किए वो क्वेश्चन नंबर सिक्स तक के डिस्कस किए क्वेश्चन, और बाकी की जो क्वेश्चंस बच रही है, जो मतलब हम क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, वो सिर्फ आपके लिए है। आप फॉर्मूले को अच्छे से याद करें, फॉर्मूले को वहां पे यूज करें, तो आपसे भी क्वेश्चन बनेगा, आंसर आएगी, नो डाउट। लेकिन जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, आप जरूर उसको ट्राई कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास को यहीं तक डन करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।